नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। कंपनी का शेयर 15 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी ने अभी तक यहाँ पर अपने आईपीओ आने के पश्चात 93% तक कंपनी का जो शेयर क्रेज हो चुका है। अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 0.65% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो कंपनी ने यहाँ पर 15.13% की रिटर्न दी है। अगर बात करें अपने एक साल की, तो कंपनी ने यहाँ पर एक साल में 258% का शानदार रिटर्न दिया। तो जानेंगे इस तेज़ी की वजह और आने वाले दिनों में किस प्रकार ये शेयर आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। इसके लिए अपन इसका फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न और बैलेंस शीट के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल से। कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,304 करोड़ रुपीज़ है। अगर अपन बात करें इसकी पेस वैल्यू की, पेस वैल्यू 10 रुपये, जो कि कंपनी के पक्ष में अच्छी खबर है। आपको आने वाले दिनों में स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर अपन बात करें बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू यहाँ पर 42.38 रुपीज़ है। अगर बात करें अपन ईपीएस कंपनी का थोड़ा कम है, जो कि 0.06 है। अगर अपन बात करें सेक्टर पीई की, तो 30.41 यहाँ पर सेक्टर पीई। अगर बात करें पीबी की, तो पीबी कंपनी का 0.37 है। तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल ठीक है। अगर अपन बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर अपन देखते हैं ओवरव्यू, तो कंपनी का जहां 2017 के अंदर रेवेन्यू 10,395 करोड़ था, वो घटकर 2021 के अंदर 7,934 करोड़ हो गया। अगर अपन इसकी कंपेयर करें 2020 की तुलना में, तो 2020 की तुलना पर यहां पर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। अगर अपन बात करें नेट प्रॉफिट की, तो जहां नेट प्रॉफिट 2017 के अंदर 1,104 करोड़ रुपये था, वो घटता हुआ 2020 के अंदर 4,255 करोड़, जो कि नेगेटिव में दर्ज किया गया था। यह कंपनी के पक्ष में बहुत ही नेगेटिव खबर थी। इसी दौरान कंपनी का जो शेयर प्राइस था, काफ़ी ज़्यादा आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है, क्योंकि 2017 से लेकर 2017 के पश्चात 18, 19 और 20 इन सभी चारों साल में कंपनी का जो रिजल्ट है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। और इसी ड्यूरेशन में कंपनी का जो शेयर प्राइस है, आपको इतना डाउनवर्ड देखने को मिला है। अगर अपन बात करें 2021 की, जिसके अंदर कंपनी ने 250% तक का रिटर्न दिया है, जिसका मेन रीज़न इस रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई थी, क्योंकि कंपनी जहाँ माइनस से प्रॉफिट क्वार्टर जनरेट किया। अगर अपन बात करें अपकमिंग ईयर में अगर कंपनी का जो 2022 का फाइनेंशियल रिजल्ट है, अगर वो इससे अच्छा और मेंटेन करके रखती है, तो आने वाले दिनों में आपको कंपनी के शेयर प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर अपन बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो जहां मार्च 2017 के अंदर कंपनी का रिजर्व 18,562 करोड़ था, जो कि कंटिन्यूसली घटता हुआ मार्च 2021 के अंदर 9,440 करोड़ रह गया है। तो ये कंपनी के पक्ष में एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है कंटिन्यूसली कम हो रहा है, जो कि कंपनी के पक्ष में एक अच्छी खबर नहीं है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो जहां 2017 के अंदर कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस 3.94 था, जो कि घटकर 2021 में 0.82 रह गया है। इससे पहले 2019 और 2020 के अंदर कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था, जो कि माइनस में था। 2019 के अंदर 14.15 एंड 2020 के अंदर 14.53, जो कि कंपनी के पक्ष में एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, जिसके कारण यहाँ पर इन ईयर में कंपनी में काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली थी। अगर अपन बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो जहाँ बुक वैल्यू कंपनी की 2017 के अंदर 76 रुपीज थी, जो कि कंटिन्यूसली 2018 के अंदर बढ़ी, जो कि 75, और 2019 और 2020 के अंदर कंपनी की बुक वैल्यू, जो कि काफ़ी इफेक्टेड हुई और काफ़ी 75 से 61 और 61 से 47, ये भी एक कंपनी के पक्ष में एक अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि बुक वैल्यू अगर कंपनी की कम होती है, तो जिससे कंपनी के पक्ष में एक अच्छी खबर नहीं बनती है। अगर अपन बात करें मार्च 2021 के अंदर, तो ये कंपनी के पक्ष में एक अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू की जो प्राइस है वो बढ़ी है, 47 से 49 तक कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है। अगर अपन बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड कंपनी किसी प्रकार का पे आउट नहीं करती है। अगर बात करें पेस वैल्यू की, तो कंपनी की पेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अगर अपन बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहां पर मार्च 2021 के अंदर कंपनी का जो प्रमोटर के पास शेयर थे टोटल 9.06, जिसके अंदर 17.91% प्लेस शेयर थे। अगर अपन बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, अगर अपन बात करें प्लेस शेयर की, जो कि कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जा रही है, ये कंपनी के पक्ष में एक अच्छी खबर है, जिसका
इम्पैक्ट आपको कंपनी की शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर अपन बात करें कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग्स की, जो कि मार्च 2021 के अंदर 9.06, जो कि बढ़ती हुई दिसंबर 2021 के अंदर 24.98% की हो गई, यानी यहाँ पर प्रमोटर ने अपने जो होल्डिंग है उसको ढाई गुना तक बढ़ाया है। अगर अपन बात करें प्लेस शेयर की, जो प्लेस शेयर मार्च 2021 के अंदर 17.90 थे, वो घटकर दिसंबर 2021 के अंदर 4.89 तक रह गए थे, जो कि कंपनी के पक्ष में एक बड़ी न्यूज़ है। अगर अपन बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने पहले मार्च 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक अपना जो स्टेक है वो कम किया है, लेकिन जुलाई 2021 के बाद अपना जो स्टेक है उन्होंने बढ़ाया है, और दिसंबर 2021 के अंदर कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक 4.92% हो गया है। अगर अपन बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ अपना स्टेक सितंबर क्वार्टर में कम किया है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में अपना स्टेक को मेंटेन करके रखा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का यहाँ पर टोटल स्टेक 3.51, जो कि एक अच्छा स्टेक माना जा सकता है। अगर हम बात करें पब्लिक की, तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 66.59% की है। अगर अपन बात करें, इसको कंपेयर करें मार्च 2021 की तुलना में, तो ये होल्डिंग्स काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि प्रमोटर ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि एक अच्छी खबर है। अगर अपन बात करें कंपनी के कंपटीटर की, तो यहाँ पर अडानी पावर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, NTPC, टाटा पावर, ये कंपनी के अच्छे अच्छे कंपटीटर हैं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट माइनस से प्लस में आया नेट प्रॉफिट। अगर वो कंपनी इसको मेंटेन रख पाती है, तो आने वाले दिनों में आपकी कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।